कांकेर में सड़क नवीनीकरण के भूमि पूजन किया गया। कुछ महीनों पहले ही कांकेर के ज्ञानी चौक से टूरी नदी पटोत तक सड़क निर्माण किया गया था और कांकेर में बहुत समय से सड़क निर्माण कार्य की परेशानी का विषय रहा है, जिसे लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसके मद्देनजर अब सड़क निर्माण की पहल हो रही है, जिसे लेकर ज्ञानी चौक से टूरी नदी पटोत तक सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम में आज कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी ने अपने हाथों से किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में ऐसे कई प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है जो कांकेर के विकास में सहायक होगा, जो बहुत जल्द पूर्ण होगा और उसका भी भूमि पूजन जल्द किया जाएगा। उन्होंने बहुत से विषयों पर चर्चा की है। हम स्वच्छ पानी नदी में डालें, वो इसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही है और ये जो हमारा नदी है ये गटर के रूप में परिवर्तित हो रहा है, इसको देख के बड़ी पीड़ा होती है और हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास भी किया था सफाई का, किंतु ये कोई स्थायी निदान नहीं है। भट्टी मारा जाएंगे और भट्टी मारा से जो प्रधानमंत्री के बीच का जो रास्ता जो तय करना पड़ता है हमको लगभग एक से डेढ़ किलोमीटर के आसपास, वो जो आज भी जो है सिंगल है, इस पर क्या कोई कार्य योजना बना है? और यदि नहीं बना है पूरा करें ताकि क्षेत्र से आने वाले जो जो नागरिक बंधु है उनको जो है तकलीफों का सामना करना ना पड़े। ये बहुत दिनों से मांग थी कि ये सड़क जो पटौत से लेकर कांकेर तक है, कई बार गड्ढे पड़ जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट होता है, वो लंबे समय से मांग थी और वो आज मांग पूरी हुई है। पीडब्ल्यूडी ने ये ज्ञानी ढाबा से लेकर कपोत के थोड़ा सा आगे पूरी नदी है वहाँ तक का जो मजबूतीकरण का काम 6,95,000 का मोटा मोटी अगर कहें तो 7 करोड़ के काम स्वीकृति हुई है और आज शुभारम्भ हो रहा है, तो इससे लोगों को एक सुविधा होगा और एक्सीडेंट भी रुकेंगे। पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय है CSEB का और लेखा अधिकारी कार्यालय नहीं है, जिससे एक छोटे से 2 रुपए के बिल के लिए भी यहाँ के कर्मचारियों को जो है जगदलपुर चक्कर लगाना पड़ता है, तो क्या इस विषय पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो कार्यालय यहाँ उपस्थित? नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने इसका पहले भी एक पत्र लिखा है, बहुत पहले मेरे ख्याल से 1 महीने पहले, तो वो पत्र मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा अभी जाने से पहले, उसकी भी एक कापी ले जाकर अगर मुख्यमंत्री जी से बात होती है सभी तक है कि वो शाम को रहेंगे मुलाकात होती है तो इस संबंध में मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि वो केवल लेखा संबंधी बात नहीं है बल्कि जो स्टोर है सेंट्रल स्टोर वो भी वहाँ है, यहाँ उतना ही आता है जितना ये डिमांड करके भेजते हैं, बाकी जो बल्क में जो भंडारण होता है जगदलपुर में होता है, इसीलिए यहाँ हमारे यहाँ आप देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर बदलने में कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से डिमांड जाता है फिर जगदलपुर में से वो आता है यहाँ पे, फिर जगदलपुर से एक वेरिफिकेशन के लिए फिर वो टीम आता है कि वो सही है गलत है, तो कैसे भी करें 15 दिन लग जाता है, क्योंकि 15 दिन हम वेट नहीं कर सकते, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेखा संबंधी बातें तो है पर ये जो असुविधा हो रही है जब तक वो ज़्यादा, ये आपका प्रमुख विषय रहेगा आज? बिल्कुल।